पदाधिकारी लोग छात्र के साथ बदतमीजी करते नहीं मनाते हैं। उस पदाधिकारी के पास अगर छात्र नेता अगर बैठेगा, पहली बात ही जानता है छात्र को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। अगर हम लोग डीएम एसपी लेवल के अफसर के पास अगर बैठेंगे तो हम लोग एकदम अच्छे तरीके से छात्र का हम समस्या उठाएंगे। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियों में जदयू जुट चुकी है और इसे देखते हुए जदयू के द्वारा आज छात्र संगठन की एक आहूत बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में छात्र पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन है। आनंद मोहन के साथ हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बैठक में क्या कुछ रणनीतियाँ तैयार की गई, चूँकि ये विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं। सर, किस तरह की बैठक आयोजित की गई है छात्र जदयू के लिए? देखिए, आज जो बैठक आयोजित की गई है, छात्र जदयू के पूरे प्रदेश के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं या जो भी हमारे पूर्व के साथी हैं, सारे लोग आज एक साथ आए हैं। चूँकि राखी और बिहार पुलिस का कल यदि एग्जाम है, इसी कारण संख्या थोड़ी तो हल्का फुल्का हमारे साथी नहीं भी आ पाए हैं, बट आज हज़ारों संख्या में जो साथी हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाए जा रहे हैं उसके बारे में सबको पूर्ण जानकारी देना और जो भी आने वाला 2025 जो हमारा विधानसभा चुनाव है उसमें छात्र, हर एक छात्र को हमने बोला है कि आप कम से कम एक छात्र कम से कम 20 लोगों को जोड़िए पार्टी में, जिससे पार्टी और मजबूत हो और छात्र जो पहले पैदान है हमारी छात्र राजनीति का उसमें नए नए लोगों को मौका मिले। छात्र संघ चुनाव में आप लड़ चुके हैं, अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में आज कई विश्वविद्यालय में है ये छात्रों की समस्याएँ काफ़ी सामने आती है, उसे लेकर के आप लोग क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं? ये छात्रों की समस्या आती है, इससे पहले एक वीर कुंवर सिंह में भी आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो हमने महामहिम राज्यपाल जी से मिला है। राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया है कि चाहे कोई किसी भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हो या कोई भी सदस्य या स्टूडेंट हो, अगर वो चाहे डायरेक्ट मिलना हमसे तो अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे पास आ सकते हैं और अपना समस्या सामने रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लेटर जारी करने का भी आश्वासन दिया है मुझे नेक्स्ट मंथ में, जिससे VC साहब कुलपति जो हैं विश्वविद्यालय के, वो सारे छात्रों से मिले, एक समय निश्चित करें, एक घंटा दो घंटा पर डे, ताकि सारे लोगों को छात्रों का समस्या सुना जा सके। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, छात्र जदयू के सभी जिले के जिला अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ समस्या लेकर के यहाँ पे पहुँचे थे और बैठक में क्या कुछ बातें रखी। आप लोग यहाँ पहुँचे थे बैठक में, आप लोगों ने क्या मुद्दा बनाया, क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई, आप अपने जिले के बारे में क्या कुछ रखा? हमने अपने जिले के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी महोदय से अपील की है कि बच्चों को सौ समय एग्ज़ाम हो, सौ समय रिजल्ट दिया जाए, पानी की सुविधा हो और सीनेट के मेंबर में छात्र जिला अध्यक्ष को एक जगह मिलनी चाहिए और जिले के बिसुत्री में एक जिला अध्यक्ष को, छात्र जिला अध्यक्ष को जगह मिलनी चाहिए। इसलिए छात्र का समस्या उस पदाधिकारी के पास अगर छात्र नेता अगर बैठेगा तो भली बात ही जानता है छात्र को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। आज आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, पदाधिकारी लोग छात्र के साथ बदतमीजी करते नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम लोग को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगर हम लोग डीएम एसपी लेवल के अफसर के पास अगर बैठेंगे तो हम लोग एकदम अच्छे तरीके से छात्र का हम समस्या उठाएंगे और हम लोग उनको आश्वस्त कराएंगे कि इस तरह के आपके पदाधिकारी छात्र के साथ करते हैं। आज चरित्र प्रमाण पर इस चीज़ को आप मानते हैं, आपकी सरकार है, बावजूद पदाधिकारी का जो रवैया है वो सही नहीं चल रहा है? नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है, ये आप खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं, कहीं अगर मामला फंस रहा है किसी भी जिला में, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे छात्र लेवल के नेता अगर बिसुत्री में सीनेट में अगर मेंबर होंगे तो और कोई दिक्कत नहीं होगा उन लोगों को, एकदम आसानी से काम होगा, हम ये चाहते हैं। सर, ये बताइए, आज आप लोग बैठक में शामिल हुए, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी कुछ चर्चा हुई, आप लोगों को कुछ टास्क दिया गया? बिल्कुल चर्चा हुई है, जो छात्र जदयू के मजबूत सिपाही हैं, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आनंद मोहन जी के नेतृत्व में बिहार के कोने कोने से दूर सुदूर गांवों से कार्यकर्ता चलकर आज पटना की इस धरती पर पहुंचे हैं। हम लोगों ने आज इस बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनेकों योजनाएँ चलाई जा रही हैं, छात्र के लिए, छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब छात्राओं के लिए, SC के लिए छात्रवृत्ति योजना, महिला के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, 50,000 स्नातक में मिलता है और ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग
कैंपस से समाज तक जाएंगे, उनको बताएंगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है उनके लिए, और उनको अधिक से अधिक अपने संगठन में जोड़ेंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। सर क्या लगता है, ये मानते हैं कि आज भी पूरे विश्वविद्यालय में, बिहार के विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहाँ करप्शन सामने नज़र आता है, और ऐसे में इस करप्शन को दूर करने के लिए छात्र जदयू क्या कुछ करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं छात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महासचिव हूँ, और नीतीश कुमार और आगामी चुनाव 2025 के चुनाव के लिए प्रदेश के अध्यक्ष छात्र अध्यक्ष आनंद भवन भैया के लिए हम लोग पूरे बिहार के छात्र हाथ उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करने के लिए एक दिवसीय बैठक में आज हम लोग शामिल हुए हैं। और शामिल यह है कि आने वाला समय में जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य और स्वच्छ के लेकर के और शिक्षा हर घर में, जैसे गरीब हो या अमीर हो, हर घर में शिक्षा नीतीश कुमार दिए, इसीलिए आगामी 2025 के लिए हम तमाम बिहार के छात्र और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सहित हम लोग बैठक किए, और इसमें आगामी 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। ये माना जा सकता है कि ये बैठक सिर्फ 2025 के चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए की गई थी? जी नहीं, 25 का तो है, मगर आगे के लिए, भविष्य के लिए हम लोग युवा हैं, आगे बिहार को बनाने के लिए जब तक हम लोग संकल्प लिए, जब तक हम लोग नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे। ये पहले छात्र जदयू की बैठक भी थी, जिसमें कि यह पहली बार हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे आनंद मोहन जी, वो पूरे जिला का, बिहार में जो भी जिला है उनमें जिला अध्यक्ष की सूची को जारी किया, फिर विश्वविद्यालय जितने आ रहे थे उनकी भी सूची को जारी किया, तो उनको एक चिट्ठी देना था। और उसके बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए थे, उमेश सिंह कुशवाहा जी, फिर मुख्यालय प्रभारी जी थे, छात्र जदयू के प्रभारी थे, तो उन्होंने भी हम लोगों को कहा कि युवा और छात्र का जो है इस बार अहम रोल रहेगा, और हम लोग सारे छात्र संगठन जो भी हर जिला में हम लोग हैं, वो सारे को मिल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे काम किए हैं उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, और 2025 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार को पुनः हम लोग बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र जदयू की अहम बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। हालांकि छात्रों से जुड़ी तमाम समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए 2025 के चुनाव को पर भी चर्चा की गई, और तमाम छात्र नेताओं को ये निर्देशित किया गया कि नीतीश कुमार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि इसका लाभ आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में मिल सके। दर्श न्यूज के लिए सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।